अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। और एक छोटा सा कैंप लगाया है हमने और इस्तकबाल करेंगे, अब जुलूस आएगा और आपको वो भी दिखाते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला और दूसरी बात ये कि स्पीकर्स वगैरह होते हैं तो फिर आवाज़ नहीं आती इतनी, तो मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया, आप स्टार्ट कर दिया है। दानियाल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं। आपका ब्लॉग कहाँ तक पहुँचा, चार्ज खत्म हो गई। जुलूस का वेट कर रहे हैं और बस कुछ ही टाइम में यहाँ पर पहुँच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, कैसे हैं, ठीक है, चलो कैसे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सस्ते व्लॉगर। और ये हमारे समीर भाई, समीर भाई आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत लेट हो गए भाई। तो हमने पहले वहाँ शरबत का वो लगाया हुआ था ना, इससे आप बहुत गिर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। माशाल्लाह की इज्जत देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इस हालत में भी आए हैं। इन्होंने टूटे हाथ के साथ भी बहुत काम किया है, अच्छा कर रहे, डायरेक्शन बहुत दे रहे थे ये। अच्छा मैं कुछ बता रहे थे समीर भाई, थोड़ा जोर से बोलिए क्योंकि आवाज़ जो है ना माइक नहीं है, बहुत नहीं माइक है, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। मैं ये कह रहा हूँ मिसाक भाई ने टूटे हाथ और टूटे कंधे के साथ भी बहुत अच्छा काम किया, मेहनत की, डायरेक्शन बहुत दिए, सही बात है। और इन्हीं के हौसले और जज्बे के सब आज ये कर पाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। बंद नहीं करना, एक बंदे ने अपने पुलाव के लिए उल्लू बनाया हुआ है, ये भूखा नंगा आज भी देखो, एक भूखा नंगा वो ये, जो जो भूखे हैं वो लाइन में लग गए। रब्बे कायनात खुद अपने महबूब का जिक्र कर रहा है, जो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, जो जिक्र करेंगे गोया वो अल्लाह करीम की सुन्नत को अदा करेंगे, हैं? तो मिलकर पढ़िए। जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी